एक ऐसी खुशी है जिसको जाहिर ही नहीं किया जा सकता है। मैं कभी सोचता, जब मैं प्रिपरेशन करना शुरू किया था तो कभी सोचा करता था कि यार ऐसा होगा कि मैं भी क्वालिफाई करूंगा, एंड आई वुड लिटरली पिंच माई सेल्फ एंड से नो इट्स नॉट पॉसिबल, आई मीन आई कांट डू इट, आई डोंट थिंक आई कैन डू इट। बट देन आई वुड से कि चलो लोग कर रहे हैं, एवरी ईयर रिजल्ट आ रहा है, मे बी मेरा भी चांस बने। और नाउ दैट इट हैज़ हैपन्ड, आई मीन आई वुड बी लाइंग टू से, आई वुड बी लाइंग इफ आई वुड से दैट इट हैज़ सांक इन, इट हैज़ नॉट। आई मीन अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा, अभी भी मुझे लगता है कि शायद वो पुरानी जिंदगी ही चल रही है, ये एक बस एक ख्वाब है जो ख़त्म ही हो जाएगा कभी। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस प्रिपरेशन में है, दैट इज़ स्टडिंग विद कंसिस्टेंसी। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको एक कंसिस्टेंट फ्रेज में पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 18 घंटे पढ़ रहे हैं और फिर 2 दिन सो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यूअसली एक स्पेसिफिक शेड्यूल बनाना है, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम बनाना है। जैसे मेरा शेड्यूल रहता था कि मैं अराउंड 8:39 शुरू करता था और रात के 12 बजे सो जाता था, तो मेरा एक स्पेसिफिक शेड्यूल था, जिससे क्या था कि मैं रोज थोड़ी थोड़ी इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कर रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलपमेंट बहुत हाई हो गई और मैंने ओवरऑल प्रोग्रेस किया। रादर देन अगर आप महीने में 3-4 दिन 24 24 घंटे पढ़ें और फिर बाकी महीना कुछ ना करें, योर प्रोग्रेस विल नॉट बी दैट हाई। सो द बेटर थिंग इज कि आप इंक्रीमेंटल लेवल पे पढ़ें, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें, हर दिन पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप ब्रेक दें, अगर हर दिन पढ़ेंगे तभी प्रोग्रेस होगा, क्योंकि इस एग्जाम में पेशेंस बहुत की है। पेशेंस इस एग्जाम को दूसरे एग्जाम से सेपरेट करता है। अगर आपके पास वो पेशेंस है, फिर ही आप प्रोग्रेस करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरे इसमें चूंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ मेरे फादर कॉलेज टीचर भी रह चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में भी रह चुके हैं, तो इसमें मेरे फादर का एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मैंने उनको देखा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद मैंने, मतलब मेरे मेरे करीबी कज़न कह सकते हैं, ब्रदर हैं वो मेरे, डॉक्टर बिलाल, उनको मैंने देखा हुआ है। 2015 में मैंने अतर आमिर को प्रिपरेशन करते हुए देखा है, विच वॉज अ वेरी वेरी लाइफ चेंजिंग थिंग, क्योंकि आई सॉ हिम कि कितनी आई सॉ हिम डेडिकेटेडली वर्क फॉर द एग्जामिनेशन, आई सॉ हिम कि किस तरह प्रिपरेशन की जाती है। सो ओवरऑल इन लोगों को मैंने देखा हुआ है और इनसे मुझे वो इंस्पायरेशन रहा कि चलें मैं भी कोशिश कर सकता हूँ कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की। एंड फाइनली आई डिसाइडेड टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन, और फिर आज रिजल्ट। मेरा जो किसी के लिए भी मैसेज रहेगा, चाहे वो कश्मीर का यूथ हो या चाहे अपनी कंट्री का पूरा यूथ हो, सबके लिए यही मैसेज है, अपने टैलेंट को देखें, क्या टैलेंट है आप में, जो भी टैलेंट है ट्राई एंड हार्नेस इट। और इसमें आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, इन सब की, आपके बड़े भाई बहनों की, इनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज अगर आपका पैशन है, ठीक है, करें, अच्छे अच्छी बात है। और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, अगर आपको लगता है वहाँ आपका पैशन है, यू कैन डू दैट। आई मीन स्पोर्ट्स है आपका, और भी एजुकेशन में फील्ड्स है, डॉक्टर बन सकते हैं, कुछ और बन सकते हैं, लेकिन जहाँ भी आपको लगे आपका पैशन है, जहाँ भी आपको लगता है आपका टैलेंट है, उसको हार्नेस करने की कोशिश करें। और आई एम श्योर कि अगर आप उसको अच्छे तरीके से हार्नेस करें, यू विल बिकम बेटर इंडिविजुअल एंड यू विल बिकम बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। जो मेरी मेरे पेरेंट्स हैं या मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, जिसमें मेरी कजन सिस्टर्स, मेरे मामी के साइड से लोग आते हैं, मेरे अंकल के साइड मेरे अंकल्स हैं वगैरह, एक अनपैरेलल्ड सपोर्ट है इनका। इसको तो मैं ऐसा कहूँगा, इसको आप डिनाई ही नहीं कर सकते। अगर ये लोग नहीं है, मुझे नहीं लगता आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। आई मीन पेरेंट्स आपको फाइनेंशियल लेवल पे भी सपोर्ट करते हैं, इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल, हर लेवल पे इनका एक ऐसा अनपैरेलल सपोर्ट रहता है आपकी लाइफ में कि यू आर नॉट एबल टू, आई मीन यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग विदाउट देम। सो उनका एक सपोर्ट है जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, और मैं बड़ा मशहूर हूँ अपने पेरेंट्स का कि उन्होंने मुझे, मतलब मैं 3 साल दिल्ली में रहा, आई मीन आई वॉज अनएम्प्लॉयड, आई डिड नॉट हैव एनी सैलरी, एंड दे केप्ट ऑन सेंडिंग मनी एंड सेड कि यू गो ऑन प्रिपेयरिंग, देर इज नो नीड टू वरी, आप प्रिपेयर करें, हम आपके साथ हैं। सो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मुझे फ्रीडम रहा हमेशा पढ़ने का, मुझे जॉब का कोई टेंशन नहीं रहा, दैट्स इट मुझे लगता है। जैसा कि सर मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाऊंगा, तो दिस इज अ जनरलिस्ट सर्विस, दिस इज नॉट अ स्पेशलिस्ट सर्विस। सो जनरलिस्ट सर्विस में जनरली ये रहता है कि यू आर पोस्टेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो माई जॉब एज एन इंडिविजुअल वुड बी टू गो देयर एंड परफॉर्म माई ड्यूटीज टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। आई मीन मैं चाहता हूँ कि जिस भी काम को मैं करूँ, अच्छे से निभाने की कोशिश करूँ, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, इंटेग्रिटी के साथ करूँ। सो अगर होपफुली इफ आई एम एबल टू डू इट, आई विल कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी। आज तो हम इतना ज़्यादा खुश है कि हम लोग आपको बता भी नहीं सकते हैं। एक्चुअली मैं हसीब की कज़न हूँ बाई रिलेशनशिप, लेकिन हम लोग बचपन से वी आर एज गुड एज फ्रेंड्स। मतलब हसीब इज़ माई फर्स्ट चाइल्डहुड फ्रेंड, उसके बाद टू माई फ्रॉम फर्स्ट चाइल्डहुड फ्रेंड टू माई बेस्टी, ऐसा बोल सकते हैं। हसीब हैज़ ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन हम सब के लिए। वो बचपन से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है, फ्रॉम हिज नर्सरी क्लास टू हिज बैचलर्स, जब उसने फिनिश किया तब भी ही वॉज ऑलवेज द टॉपर। हमें पता था कि हसीब हमेशा कभी ना कभी IAS क्वालिफाई ज़रूर करने वाला है, एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस।
और इसने हमारे पूरे फैमिली, पूरे खानदान के लिए, पूरे हमारा जो बारामूला एंड सोपोर का एरिया, उसका नाम बहुत उसने हमारा प्राउड फील किया है. इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस.